एक और नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। इस बार हम जो वैकेंसी लेके आए हैं आपके लिए, वो लेके आए हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBP के बारे में। पूरी क्या है जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ अब तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल मेल सिटीजन। तो यहाँ पर जो है केवल मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पर होंगे। अब सीधे बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्टेज के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ पोस्टेज हैं 458 यानी कि 458 टोटल पोस्ट हैं, जिनमें से UR के लिए 195, SC के लिए 74, ST के लिए 37, OBC के लिए 110 और EWS के लिए 42। और जो अप्लाई करना है recruitment.itbbpolice.nic.in, और कब से करना है वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं, और हाँ 10% जो है एक सर्विस मैन के लिए यहाँ पर रिजर्व है। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। पूरी PDF मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको 10वीं पास होना पड़ेगा, यानी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं, और हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए, और जो आपकी उम्र है 21 से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। बाकी SC ST OBC जो भी अलग अलग है उसमें आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। एंड द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट 26 जुलाई 2023, जो है वो तक जो है आपका जो है एज हो जानी चाहिए, यानी कि जो 21 to 27 है, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है, ITBP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है आप इसको फॉर्म भरेंगे। बात करते हैं फीस को लेकर। तो जो एग्जामिनेशन फीस है फॉर द जर्नल एंड OBC RS 100 कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST ST और एक्स सर्विसमैन एग्जेम्पशन फ्रॉम पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बता दी है सारी जो है शेड्यूलिंग है, इसी से होगी, ईमेल आईडी से करना है। और जो सिलेक्शन होगा किस तरह से होगा, तो दो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि आप देख सकते हैं लगभग 5 स्टेप्स में ये होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट 1, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट 2, रिटन एग्जामिनेशन 3, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4, उसके अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स 6। ऑलमोस्टली 5 से लेकर 6 स्टेप तक आपको जो है गुजरने पड़ेंगे। और जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने 27 जून से ये स्टार्ट होंगे, और 27 जुलाई ऑलमोस्टली 1 मंथ जो है आपको पूरा समय मिलेगा फॉर्म भरने का। उत्तराखंड के साथ साथ यहाँ पर जो तमाम भारत के युवा रहते हैं उनकी पहली पसंद रहती है डिफेंस में, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपके पास अच्छा खासा टाइम है फॉर्म भरने का। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।